नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बोकारो में मिड डे मील पर एक बार फिर धांधली देखने को मिली। दरअसल 3 महीने पहले एचबीएन न्यूज के हस्तक्षेप के बाद 2 दिन में ही बच्चों को धनराशि देकर मिड डे मील का मुआवजा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर अध्यक्ष ने अनाज देकर लीपापोती करने की कोशिश की है। देखिए, बोकारो में दोबारा मिड डे मील पर धांधली दिखी है। बता दें, 3 महीने पहले इसी प्रकार विद्यालय के अध्यक्ष सुशांत कुमार मांझी ने ग्रामीण बच्चों के मिड डे मील, जो कि स्कूली बच्चों का हक है, बच्चों को नहीं दिया गया था। एचबीएन न्यूज के हस्तक्षेप के बाद 2 दिन में सभी बच्चों को धनराशि देकर मिड डे मील का मुआवजा दिया गया था, लेकिन बीते दिन फिर ऐसा देखने को मिला। विद्यालय के अध्यक्ष ने आवंटित अनाज से कम अनाज देकर लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन समाज सेवी पिंटू झा और स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने इसका जमकर विरोध किया और अनाज लेने से मना कर दिया। सभी ग्रामीण विद्यालय अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। नमस्कार, मैं पिंटू झा। आज स्कूल में बहुत सारा हंगामा हुआ, बहुत सारे झोल झमेला और मिड डे मील को लेते हुए यहाँ की जनता, यहाँ की गाँववासी सब आज इसका विरोध किए। तो मेरे पास सूचना आया, मैं वहाँ पर गया, मैं स्कूल आया ताकि देखे कि यहाँ पर सच बात है, यहाँ चावल का घोटाला किया जा रहा है। 9 किलो की जगह आपका 8 किलो दे रहे हैं और 6 किलो की जगह 5 किलो दे रहे हैं। इन्हीं को मैं देखते हुए हमारे पूरे ग्रामवासी आए और ग्रामवासी आके पूछे तो ये बात सही है आया और ये लोग घोटाला करा। बीते तीन महीना पहले एसबीएन न्यूज द्वारा एक एड चलाया गया था जिसमें पैसा घोटाला का था। पैसा ये लोग विभाग वाले लेके पैसा बांट नहीं रहे थे, तो न्यूज के द्वारा पैसा भी बांटा है। एसबीएन न्यूज के द्वारा पैसा सबको घर घर पहुंचा, बच्चों का पैसा धनराशि पहुंचा। और आज देखिए, आज फिर से ये लोग चोरी की घोषणा फिर कर दिए हैं। 9 किलो की जगह 8 किलो चावल दे रहे हैं, 6 किलो की जगह 5 किलो दे रहे हैं। तो मैं निम्र निवेदन झारखंड सरकार से करता हूं कि वो जल्द से जल्द इन लोगों को बर्खास्त करे। सचिव महोदय जिसको मैं पूछा तो सचिव महोदय जी भी बोले, अभी अंधेरे हैं, वो बोले कि हम बांटने बोले हैं और जो हुआ है भूल इच्छुक वो फिर से बंटवा देंगे। और अध्यक्ष जी को मैं बर्खास्त करने का निम्र निवेदन करता हूँ, उन्हें जल्द से जल्द स्कूल प्रबंध से हटाए। नमस्कार, धन्यवाद।